क्विकली बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की जाने पर. नेक्स्ट कैटेगरी है CNN बेस्ट लीगल रेस्क्यूअर अवार्ड. प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर दावा देना चाहूंगी मिनिस्टर फूड समीउल्लाह साहब. मंजिल का पता देती हैं. मोहसिन नकवी साहब, मैं आपके लिए ये अर्ज कर रहा हूँ कि मंजिलें खुद नई मंजिल का पता देती हैं. कामयाबी के लिए शर्त है चलते रहना. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जी. हमारी अगली कैटेगरी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट 2018 बेस्ट एम्प्लॉय. और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए जिस शख्सियत को मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ वो खुद सोशल मीडिया की क्वीन है. यू नो, सोशल मीडिया की क्वीन हम सब की अपनी मीरा जी. भरपूर तालियों की शायद जी. अस्सलाम वालेकुम. मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी सिटी 42 की सारी ऑर्गेनाइजेशन और सब लोगों को. बहुत शुक्रिया. अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूँगी और अवार्ड जो आज के लकी स्टार हैं जुल्फकार. जुल्फकार साहब, कांग्रेचुलेशन. मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये अवार्ड आज आज न्यूज़ सिटी 42 पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं ये अच्छा कदम है और इससे हौसला अफजाई होगी जो कि उभरता हुआ टैलेंट है और उनको और लोग कंपटीशन में बेहतरीन काम करते हैं और जब उनको ये पता हो कि अवार्ड मिलने वाला है तो फिर कंपटीशन जो है वो मुनासिब होता है. मीरा जी, आपके लिए भी एक अवार्ड है सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से जिसको प्रेजेंट करने के लिए मैं सहाफत का बड़ा नाम इफ्तिखार अहमद साहब को स्टेज पर दावत दूंगी. इफ्तिखार अहमद साहब ये अवार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मीरा जी. थैंक यू सो मच. मुझे नहीं पता कि शौक ऑफ द डे क्या होता है. दिस वॉज द शौक ऑफ द डे. आई वॉज सिटिंग विद अ वेरी सीनियर पर्सन अहमद मीर एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम के एक नाम अनाउंस कर दिया कि इफ्तिखार साहब तशरीफ लाएँ. बेहतर तो यह था कि अहमद को बुलाया जाता. ही द यंग मैन, वो इन सारी चीज़ों को जानता है. मैं तो इन चीज़ों को जिस ज़माने में जानता था वो दौर तो गुजर गया. ये दौर तो हामद का है कि इन चीज़ों को जाने पहचाने एक्सप्रेस करे और इनमें जो चीज़ें लोग इन्वॉल्व हैं उनको आके इनाम दे. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब. थैंक यू वेरी मच सर. नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और हमारी अगली कैटेगरी CTS डिपार्टमेंट है बेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम CTS डिपार्टमेंट 2018. अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट डेप्यूटी मेयर राव शहाबुद्दीन साहब टू प्लीज कम ऑन स्टेज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. उसामा यूसुफ. उसामा यूसुफ साहब, CTS डिपार्टमेंट. कांग्रेचुलेशंस उसामा.
नकवी और इसकी टीम को, और 41, 42, 44, रोही और 24 तमाम चैनल के जितने भी काम करने वाले वर्कर हैं सबको मुबारकबाद पेश करूंगा। और सबसे बड़ी ज़ात है अल्लाह पाक की। उसके बाद अल्लाह पाक ने भी ऐसे ऐसे बंदे अपने भेजे हैं इधर, तो जिनमें मोहसिन नकवी वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया राव साहब, वेरी गुड राव साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारी अगली कैटेगरी बेस्ट फोटोग्राफर डेली फॉरेन। चेयरमैन पीआरए जावेद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और देखते हैं कि बेस्ट फोटोग्राफर कौन होता है। द अवार्ड गोज टू मिस्टर याकूब। मिस्टर याकूब, याकूब अजीज यहां पर मौजूद हैं। आप सब वर्कर्स को बहुत मुबारक, और इससे ज्यादा मुबारक आपको इस चीज की कि आपको मोहसिन नकवी जैसा लीडर मिला है। हम टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग हैं, हमें लोग को अच्छी नज़रों से नहीं देखते, लेकिन आज की इस तकरीब के बाद मैं इस उम्मीद से जाऊंगा कि टैक्स कलेक्ट करने वाले भी आप में से ही हैं, और हमने टैक्स कलेक्ट करके भी आपको ही लौटाना होता है, तो बड़ा मेहरबानी। बस कभी कभी कैसर खोखर साहब से डर लगता है कि घर जाने से पहले पहले एक ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन ना निकाल दें। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपको पता है दूसरों के काम पर नज़र कैसे रखी जाती है? ये बहुत से लोगों को पता है, क्योंकि कुछ लोग कैमरे के पीछे बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ कैमरे के सामने बहुत अच्छा करते हैं, शीशे वाले केबिन में बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ ऑफिस से बाहर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सब काम करने वालों पर नजर कैसे रखी जाती है वो आपको दिखाते हैं जी। खाली 42 नहीं यार, रोहिणी ने भी पाए, उन्होंने 5 पैकेज पाते हैं, 41 ने भी 4 पैकेज पाए हैं यार। यार इतने पैकेज, मेरा ख्याल है लगता है केके साहब ने सुबह और दिन बाथरूम जाने टाइप कर दिया। क्या लगता है ख्याल ना देना मेरे फोन पे पैकेज पा देने लगता है ये हो ऐसा ना। शावर खुला मैसेज कर एडी प्लीज अकोमोडेट दिस फलाना 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 फलाना। मोबाइल पे शावर चलाया हमने, ओए अंदर टाइम हो गया, अंदर टाइम हो गया उन्होंने दे रिपोर्टर नस के उधर केके साहब की आमद का इतला दे उधर रिपोर्टर खैर। सर बहुत बड़ी खबर आ गई, 25 करोड़ रुपए की चोरी हो गई सर। सर सर डिफेंस में चोरी होगी सर, बहुत बड़ी चोरी है सर, इरफान मलिक कंफर्म कर रहा है, लाहौर की तरीके सबसे बड़ी चोरी है, और उसमें 25 करोड़ रुपया गया है, जेवरात भी है, नकदी भी, गैर मुल्की करेंसी भी है, और अब वो चोर जो हैं वो अब मिल नहीं रहे, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई, मैंने वकास को मूव करवा दिया सर वहाँ। हाँ जी सर, 25 करोड़ रुपये की चोरी होगी डिफेंस के अंदर, एक घर से चोर 25 करोड़ रुपया लेके सर, जेवरात भी है, नकदी भी है, लाहौर की तरीके की सबसे बड़ी चोरी सर। ये अपना पहली सर तारीख में पहली मरतबा लाहौर से इतनी बड़ी रकम जो है चोरी हुई है घर के अंदर से। अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये कुछ साल 1942-43 में कहीं ये स्कूल लाइफ थी, मेरा ख्याल मेरी इस किस्म की ना डकैती पहले भी हुई थी, तो इधर चेक करें सर। मैं तो 1942 में पैदा नहीं हुआ था सर। वो 25 करोड़ की रखी थी, 25 करोड़ की रखी, इसको चलवाएं यार, इसको चलवाएं, इसको फटाफट चलवाएं, इसको चलवाएं सर। इसी खबर का तो मैं बता रहा था सर, वो चल भी गई सर। इसके नाम रेलिवेंट शॉट करवाएं, पुलिस का मौकफ लें, इसमें जो मुतासरीन हैं उनका लें, और इसकी सारी डिटेल लेकर अच्छा सा पैकेज फाइल करवाएं फटाफट। सर पैकेज फाइल करवाओ तो खबर तो ब्रेक करो, खबर 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 फौरी करें, ये सारे चला रहे हैं, जल्दी करें खबर फाइल करवाएं।
खुर्रम कलीम साहब जहाँ गई भी है भरपूर तालियों नहीं चाहिए खुर्रम कलीम साहब के लिए। और ये बिल्कुल जायज़ बात है, सुबह उठते ही जो एक मैसेज मिलता है वो ये होता है प्लीज़ प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट विद रेलिवेंट शॉट्स। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और रेहान कहते हैं कि हर एक का टाइम आएगा और अपना टाइम आएगा, कभी आता है कभी लेट आता है कभी पहले आ जाता है, लेकिन हमारे एक ऐसे प्रोड्यूसर फहद अजमल जब उनका टाइम आया उन्होंने क्या किया देखते हैं। देखिए फहद अजमल साहब का नंबर लगने वाला है जी। ओ भाई इधर से, अब इसको मारना यार, इसको मार इसको। हाँ यहाँ पर चल 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 चल, मैं अंदर आ रहा हूँ अंदर आ रहा हूँ। फादी फादी इंग्लैंड कब जा रहे हैं? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ना कर यार तंग, ना कर पबजी खेलने दे। ओ कहा ना यार ना कर। पदी भाई प्रोग्राम, पदी भाई प्रोग्राम, पदी भाई इंग्लैंड कब जा रहे हैं? टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अबे मैं तो ऐसा ही, तो पकड़ खेल गेम खेल ना, ये ले पकड़ खेल। और फहद अजमल साहब आपका टाइम आने वाला है। मौसीकी का रंग भरते हैं आज की शाम में, और जो सॉन्ग अभी लेकर आपके सामने आ रहे हैं वो कहते हैं कि मीडिया इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। विल्बर शरैन ने अपनी किताब में लिखा है ना कि मीडिया इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और इंसानी रवैयों पर चोट करना तनकीदी जायजा लेना यकीनन एक पुरखतर रास्ता है। तो सहाफती खदमात सर अंजाम कैसे दी जाती हैं सहाफ़ियों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, आई वुड रिक्वेस्ट जो सिंगर आ रहे हैं तनसीर जैदी हैं, इसको कंपोज किया है ज़हीर अब्बास साहब ने और इसके लिखारी हैं अली खान साहब। तो आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर तनसीर जैदी टू प्लीज़ कम ऑन स्टेज, आपकी भरपूर तालियाँ होनी चाहिए। सहाफत से वाबस्ता होने वालों के नाम, उन सहाफ़ियों के नाम जो अपनी जानें ख़तरे में डालकर आवाम को हकीकत से बाखबर रखते हैं, आंधियों तूफानों चलती गोलियों झुलसते रेगिस्तानों और सर्द पहाड़ों पर अपना फ़र्ज पूरा करते हैं, जो झुके नहीं जो रुके नहीं उन्हीं के नाम। दुनिया दौलत पे मरती है, हम लोग किताबों में खुश हैं, हम खोज में हैं सच्चाई की, बाकी है कि ख्वाबों में खुश हैं। तारीख है शाहिद पढ़ देखो, हम हक सच के रखवाले हैं, कलमों ने स्याही उगली है तब ही तो आज उजाले हैं। हम पीठ पे कोड़े खाते हैं, गोली के लिए ये छाती है, तारीख में जिंदा रहते हैं जब मौत हमें आ जाती है। कुछ ने है धमकाया, कुछ ने दौलत में तोला है, हमने फिर भी सच लिखा है, हमने फिर भी सच बोला है। आवाज बने मजलूमों की, यूं ही
है इबादत की हमने, हर लफ्ज में डाला खून अपना, यूं पेश शहादत की हमने। तन्हा न कभी हम होंगे के सचों का साथी है रब भी, हमने पहले भी दी जाने कर वक्त पड़ा दे। सुबह शाम कभी हम काम की खातिर जब निकले, जब खास की जानब सब दौड़े, हम आम की खातिर तब निकले। हम आंधी तूफान में पत्थर, हम रात में एक सितारा है, हम खामोशी में हक की सदा, हम शोर में ऊंचा नारा है। अपने घर बार से दूर हुए, हम सबको अपना जानते हैं, हम कायद के ख्वाबों का सतू, हम देश को माही मानते हैं। सहाफत और उससे वाबस्ता तमाम अफराद को ट्रिब्यूट पेश किया है तंसीर जैदी ने। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू ऑल द जर्नलिस्ट कम्युनिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, शोभा सहाफत और सहाफत से वाबस्ता तमाम अफराद को एक स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर अपने रिश्तों से लोगों के लिए इस गाने के लिए स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है, जिसके लिरिक्स अली खान ने लिखे हैं और इसका म्यूजिक जहीर अब्बास ने कंपोज किया और तंसीर आपने बहुत खूबसूरती से इसको पेश किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। नेक्स्ट अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट एलसीसीआई सैयद अलमास हैदर साहब टू प्लीज कम ऑन स्टेज। डेली 42 एंड द अवार्ड गोज टू मोहम्मद रजाक साहब। मोहम्मद रजाक साहब, रजाक साहब मैं बहुत अरसे से सोचा करता था कि लाहौर में सबसे ज़्यादा देखा हुआ चैनल सिटी 42 क्यों है। आज पता लगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी, जो टीवी स्टेशन अपने एम्प्लॉई की इज्जत करता है, एम्प्लॉई उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। बेशक। बहुत अरसा पहले मैंने ये कहीं पर पढ़ा था कि आप गाहक की खिदमत करने के, ग्राहक को खुश करने की कोशिश ना कीजिए, अपने एम्प्लॉई को खुश करने की कोशिश करें। अगर आपका एम्प्लॉई खुश है तो आपके ग्राहक के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, और अगर आपने उसको नाखुश कर दिया तो वो आपका ग्राहक भी नाखुश कर देगा। सो सिटी 42, मोहसिन साहब, आपकी टीम सारी की सारी, आपको बहुत मुबारक हो। यू आर ऑन द राइट पाथ, गुड लक टू यू, इंशाल्लाह विश यू मोर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। इसी के साथ अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और हमारी अगली कैटेगरी बेस्ट कैमरामैन सिटी 42। अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद साहब, आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। एंड द अवार्ड गोज टू वसीम निसार।
वसीम निसार। अतीनों इस बात भरपूर तालियां होनी चाहिए। आज अगर सिटी 42 मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है तो उसमें सबसे बड़ा और बुनियादी किरदार जो है वो सिटी 42 के वर्कर्स का है, उन वर्कर्स का के जो चलचलाती धूप में और यख बस्ता सर्द मौसम में भी हमेशा अहलियाने लाहौर को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वो खबर ढूंढ कर लाने के लिए सरगर्दा रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी अदारे की कामयाबी का इन्हिसार उसके वर्कर्स के ऊपर है। और ये सिटी 42 के वर्कर्स का कमाल है कि उन्होंने लाहौरियों को एक नशा लगा दिया है, जब तक सिटी 42 को ना देखे तिश्नगी रहती है और कमी का एहसास होता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बेस्ट कैमरामैन 42 के बाद अगली कैटेगरी है हमारी बेस्ट कैमरामैन थैंक यू। सबसे पहले सिटी 42 और लेक सिटी, आप लोग का जो अवार्ड है ये पहली दफ़ा मैं यहाँ पे आया हूँ अटेंड करने के लिए, बहुत मुबारक हो टू दिस एंटायर ग्रुप। मुझे चैनल ख़ास तौर पे इसलिए इतना पसंद है क्योंकि इस पे जब मैं आ रहा होता हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा होता हूँ फॉर सम रीज़न। सो एक तो ये, दूसरा कि ये जैसे एक न्यूज़ चैनल का जो काम होता है कि सच की तहकीक करनी और उसको दिखाना, आज मैंने एक बहुत बड़ा सच और रिवील किया है अपनी एक पर्सनल इशू के हवाले से, जो कि आगे मैं और भी करूंगा। और उसी हवाले से चूँकि मैं आया हूं और मुझे गाने के बगैर छोड़ा नहीं जाता, तो दो लाइनें आपके लिए। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे, जो सियासतदान अपना वादा तोड़ते हैं उनके लिए ये है, वादों के कच्चे हवसवारी, दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी। वैसे मैं सोचता हूँ कि क्या कल को मैं इलेक्शन लड़के में ही बन सकता हूँ छोटा मोटा वजीर, लेकिन जिसका है ऊंचा बोल यार, कुछ लोग हंसन के अच्छा लगेगा, पर बड़ा वजीर बनूंगा सुने नहीं, मुझे शौक ही नहीं है यार। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवसवारी, चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। क्या
क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और अली आपके लिए भी एक अवार्ड है सिटी न्यूज नेटवर्क की तरफ से। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए वो कहते हैं जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं और इसलिए भी परिंदों से आके मिलता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगता है। जो परिंदों की बात होती है फिर चिड़िया की बात आती है और जब चिड़िया की बात आती है तो कैसे भूल सकते हैं हम वेरी सीनियर एनालिस्ट नजम सेठी साहब। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर नजम सेठी। एक सेकंड म्यूजिक बंद कीजिए। ये मैं अवार्ड लेके वापस नजम सेठी साहब को देना चाहता हूँ। मैं उसकी रीज़न बताता हूँ। हमारे मुल्क में जब कोई बंदा कोई काम करता है, कोई अच्छी चीज़ करता है, तो एक तो हम जितना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए उतना करते नहीं, दूसरा ये कि हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। PSL एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान में। 3 साल लगे मैंने देखा है कि इन्होंने और इनकी जो टीम थी, मार्केटिंग टीम ने, इदारे ने किस तरह दिन रात मेहनत करके उस पर छोटी सी मेरी भी कंट्रीब्यूशन थी उसके लिए, एंथम्स बनाए, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, ताली बजेगी। तो सेठी साहब को इसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस PSL। सो ये अवार्ड मेरी तरफ से वापस सेठी साहब। थैंक यू सो मच। अली बड़ी थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ी खुशी हुई है टू जॉइन द सिटी 42 फैमिली। ऑनेस्टली मैं आई हैव बीन इन 3 or 4 ऑफ द बिग चैनल्स और मैंने ऐसा माहौल कहीं भी नहीं देखा। ये जो जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने और उनके साथियों ने एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल बनाया है, हमदर्दी है, इट्स लाइक अ फैमिली एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ मेम्बर ऑफ दिस फैमिली। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे साथ आज हाथ हो गया और मैंने नहीं किया। पूछिए कैसे। वो जदों मीरा जी इत्थे आई तो मैं सोचा मैनू बुलाएंगे, उन्होंने इफ्तिखार नू बुला लिया। सो यू हैव टू स्टे विद अस। थैंक यू सो मच अली, थैंक यू। माइलस्टोन अवार्ड्स का सिलसिला जहां रोका था वहीं से शुरू करते हैं और नजम सेठी साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। तो नेक्स्ट माइलस्टोन अवार्ड किसको जा रहा है सिमन? शाहीन अतीक रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट से। शाहीन साहब बहुत-बहुत मुबारक हो इनको 10 साल खिदमत पर ये माइलस्टोन अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है। नासिर मसूद कैमरामैन नासिर मसूद खातिन अजान मोहम्मद मेहर खान एसोसिएट मैनेजर टेक्निकल DSHG मोहम्मद उमेर खादिन आजाद हैं। मोहम्मद वहीद टेक्नीशियन DSHG। मोहम्मद उमेर खान अपना माइलस्टोन अवार्ड रिसीव कर रहे हैं और मोहम्मद वहीद रास्ता Great honor to have you with us, sir. अब आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए कॉमेडी दुनिया के दो बड़े नाम हैं। एक तो है लाला और दूसरे हैं जानी। जानी, लाला और जानी के लिए भरपूर तालियां भी चाहिए। खातिर हजरात आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए आ रहे हैं। अरे साइड पे हो, धक्का क्यों मार रहे हो?
मेरा कौन सा माइक है? है? मेरा कौन सा है? तुम्हारा कोई नहीं, सारे सौंड वालों के हैं। अच्छा ये बताओ भाई, देखो माशाल्लाह कितने प्यारे रौनक जो है वो महफिल लगी हुई है, खूबसूरत लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं वो, इतनी मेहनत करते हैं, तुम नहीं करते हैं? यार पहली तो गल ये है कि उर्दू वाला मेरे नाल बंदा तुसी खिलारता है, आ वेखो मुंह इहदा अल्लाह दी कसम है। नहीं तो उर्दू में क्या है, ये कैसी बात की है? अपने आप को ये शख्स रिपोर्टर बोलता है, इतने बदतमीजी करते हो तुम। ओए पता मैं बदतमीजी से बात शुरू करते हो, कराची में बड़े तमीज से बात, वहां का SHO तक इश्तियारी से अदब से बात करता है। कैसे? मैं आपको गिरफ्तार करने वाला हूं, गिरफ्तारी दे दीजिए। और ये बदतमीजी मनु दास, ये क्या होता है तरीका है? कसम इदा कुड़ी दे दिन लैन जाइए, जिदा पहले नहीं कराची वाला बोलिया कि जी 6 महीने हो गए, हाँ हुई, हूँ दिन दे दियो, कि काफी ज्यादा टाइम हो गया। यार तुम्हें क्या पता, तुमने पूरे मुल्क को जो है जुगतों पे लगा दिया है, ये तरीका थोड़ी है। क्लेम करता हूँ मैं बड़ा रिपोर्टर हूँ, सहाफी हूँ, ऐसे नहीं होता सहाफी। यार मैं जुगतों पे लाता है तो तू कहना ग्रेजुएशन करा रहे हैं कराची बच्चों है? भाई हम तमीज के दायरे में बात करते हैं। कैसे? अल्लाह माफी दे, कैसा इसका मुंह है जैसे डड्डू को जो है शदीद किस्म का यरकान हुआ होता है। जुगत देखो कराची दी तफसीली जुगत, जैसे डड्डू को ना जैसे की यरकान सुधा यरकान हो, ऐदा नहीं जुगत आते ना शाहपर चूहा पाया है, इंज की जुगत होगी पंजाबी की जुगत, भाई मजे की जुगत होती, उर्दू में जुगत ना मारो आपको नहीं मारनी आती। कैसा मुंह है जैसे खराब VCR होता है। तो तू ठीक करा ला, आ क्यों जी इतने पागल शख्स, कैसा पागल है? एक मोहल्ले में जो है मैयत हो गई, वहां गया मार खा के आ गया। मैं कहना था बंदा मरिया खा लो मार, अगे दुखी ने बेचारे। और भाई उन्होंने बोला जनाजे के लिए जो है वो चरपाई लेके आओ, ये बिलियर्ड लेके आ गया, स्नोकर थोड़ी खेलना है उन्होंने। अच्छा बिलियर्ड दे जनाजा यानी के? हाँ। और पता लगे लास्ट 4 नंबर पाकर च डिग पई उतो। अच्छा तुम ये बताओ, सारी बातें छोड़ो, ये क्यों इतने बदतमीजी से बात करते हो? भाई पंजाब जूते लगाते हो? भाई बात सुन, बात सुनो। है हाँ सुन रहा हूँ, बहरा नहीं, ट्रेन का आखिरी डब्बा होता है, गलत सुन लिया एक मिनट। अच्छा मेरी बात सुन, तू एंकर है? हाँ मैं एंकर हूँ। मैं एक लाइन कहता हूँ। अच्छा बोलो। हाँ लाइन सेम वो कहनी है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। तमाम दो बच्चों के पहुंचे दूर के, तो भैया ज्यादा डांट से रुझुक रहे मैं तुम्हें बताओ। अरे कुछ ज्यादा है मेरे ख्याल। सुन सुन सुन, चाइना से जो है बुलेट ट्रेन का इंजन लगवा के आया। तुझे पता चले एंकर कहते किसे? एंकर। बोलो दोबारा बोलो, समझ नहीं आया, बहुत तेज बोला। तमाम दो बच्चों के पास दूर के, तो ये ज्यादा कर दो डर से झुके मैं कमाल तुम्हें बता रहा हूं। अब तमाम दो बच्चे के ब्रदर से यार बहुत तमाम दो बच्चों के पास दूर के, तो ये ज्यादा खराब दो डर से झुके मैं कमाए पंजाब मैं बाबा के को दो एंड तो मैं भी बोल गया यार। अच्छा छोड़ो ये नहीं, तो मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो बोल के देखो। चल बोल। बहुत मुश्किल बोलता है भाई। बोल, ये बोल। कुछ ऊँट की पीठ होची कुछ नीचे ऊँट की पोंछ है, ये बोल के दिखाओ। क्या दोबारा बोली? ये दोबारा देखो, आपको नहीं बोलिया जाना, बोली। कुछ ऊँट की पीठ होची कुछ नीचे ऊँट की पोंछ। यार मैं पता क्यों नहीं कहना, मेरे मुंह कुछ और निकल जाना। वैसे एक बात है, किसी ना किसी घर में डेली कोई ना कोई कमजोर सा चूहा फंसता है, आज तुम इस बात पे फंस गए। चल मैं ट्राई करता हूँ दोबारा बोल। हाँ कुछ ऊँट की पेंट होचे कुछ नीचे ऊँट की पोंछ। कुछ ऊँट। ओ भाई तेरा नहीं, तेरे पास का काम नहीं है भाई। नहीं यार मैं तेरे को मैसेज कर देगा। नहीं मैसेज ना कर, मैं मैसेज नहीं पढ़ता, मुझे कुछ ऊँट की पी। ये तो हाल है इसका, और कहता है कि मैं रिपोर्टर हूँ। भरपूर तालियां होनी चाहिए जी जानी और लाला के लिए। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच जानी एंड लाला। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है जी? अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ता है बच्चे जी, अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, और हमारी अगली कैटेगरी बेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट 2000। अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर दावत देना चाहूंगी MSPIC डॉक्टर मोहम्मद अमीर। डॉक्टर साहब प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाइए। अवार्ड में नाम है सुहेल इकबाल। सुहेल इकबाल, सुहेल इकबाल सॉरी।
डॉक्टर अमीर के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए थी। अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। CNN बेस्ट एम्प्लॉय कॉपी एडिटर प्लस टिकर्स डिपार्टमेंट। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए लीगी रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज कम ऑन स्टेज। सैफ अल मलूक खोखर साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए खातिर हजरात। एंड द अवार्ड गोज टू फहद मुगल साहब। फहद मुगल मेरे दोस्त। और मैं वर्कर का नाम लूं या फैमिली का नाम लूं, इसलिए कि दोनों के जो कमांडर हैं वो अपने मुलाजमीन को, वर्करों को वर्कर नहीं समझते, फैमिली मेंबर समझते हैं। यही इनकी कामयाबी है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया सैफ अल मलूक खोखर साहब खातिर आजाद। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। और अगली कैटेगरी है बेस्ट एम्प्लॉय क्रिएटिव डिपार्टमेंट। करने के लिए मैं स्टेज पर दावत देना चाहूंगी मुस्लिम लीग नून से, उनका ताल्लुक है, रुकन है कौमी असेंबली, अली परवेज मलिक साहब। अली परवेज मलिक साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। द अवार्ड गोज टू यूसुफ अफजर साहब। यूसुफ अफजर। मैं आप सब सिटी 42 की फैमिली को अपनी तरफ से, अपनी लीडरशिप की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपकी 11वीं ये अवार्ड सेरेमनी है उसके ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह आपने पिछले 10-11 साल के अंदर जिस तरह से लाहौर की पॉजिटिव साइड को आगे, लोगों के आगे पेश किया, उसके लिए एज ए लाहौरी, एज ए मेंबर नेशनल असम्बली, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपके लिए उम्मीद रखता हूँ आप माशाल्लाह इसी कोर्स के ऊपर काम जारी रखें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अली परवेज मलिक साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। थैंक यू रेहान तारिक एंड सिमर हाशमी, और थैंक यू बॉस अवार्ड शो करवाने के लिए। आज हम आपको जिस करेक्टर से मिलवाने जा रहे हैं वो है भोला। जी वैसे तो ये भोला है मगर इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो शायद सिप्रा बैठे हुए हैं, सीनियर रिपोर्टर। वो जो पेंडू साहब, वो जो लंबा था, नहीं नहीं सीनियर रिपोर्टर, वो जो लंबे मूंछों वाला है, वो जो छोटे गंजा है, वो लंबा था ना, वो जो जिसकी गैस लीक होती है, वो ही वही। अच्छा शायद सिप्रा को छोड़े, इरफान मलिक साहब बैठे हुए हैं जी। वो चीप ना, वो चीप वाले इरफान मलिक ना, वो चीफ है, चीफ है, चीफ है, चीफ है, चीफ, चीफ है। जी जी। वो जो दो बच्चे जिन्हें रखे, वो जो खुद काम नहीं करते, वो बच्चों से काम कराते हैं, वो जो DSP के पीछे बच्चों को, बच्चा DSP भगा देता है बच्चों को, वही ना, मैंने ये काम नहीं करते। कुछ बात करते हैं डायरेक्टर न्यू सिटी 42 की, खुर्रम कलीम साहब बैठे हुए हैं। आप जानते हैं खुर्रम कलीम साहब? वो केके, जिनको केके जी जी, केके उनको कौन नहीं जानता। वो इतने मशहूर है, वो हर किसी को बुला के बिठा लेते हैं, मीटिंग करते हैं 5 मिनट की, लेकिन 1 घंटे वो बातें करते हैं। वो क्या बातें करते हैं? वो मजे मजे, बड़े मजे की बातें करते हैं, वही बड़े मजे की बातें करते हैं वो। मियां ताहिर साहब 24 के डायरेक्टर न्यूज बैठे हुए हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? वो इस बार बच गए, वो जो पाचा साहब नहीं, वो मोटे वाले, वो जो उन्होंने इस बार उनका कोई वो नहीं बनाया मजाक, वो पिछली बार नाराज हो गए थे। नाराज हो गए थे? वो नाराज हो गए थे, मुझे 10,000 रुपए का खाना खिलाना पड़ा उनको। सीनियर प्रोड्यूसर अब्दुल हमीद नकीबी साहब, उनका कौन नहीं जाता। वो नकीबी साहब, वो जो जिनके पास लड़कियां आके बैठे, आए मजे, आए लड़की, आए पानी पियो,
पता नहीं वो ऑफिस में ना वो हर जगह जाके ना वो पानी की बोतलें चेक करते हैं। वो जानसेब खान साहब बैठे मुझे नजर आ रहे हैं, आप जानते हैं वो बड़ी शरारती है, वो लड़कियों की वो भाग नहीं होती, वो जो लड़कियाँ चलती है जो बड़े मजे से चलती है लड़कियाँ, उन पर वो कोई म्यूजिक लगा के ना वो नसीबों का गाना लगा के वो नाच रहे थे, वो मैंने खुद उनका देखा है। यहाँ पर ज़ुहेब बट साहब बैठे मुझे नजर आ रहे हैं दूर से ही, आप जानते हैं जी 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 वो जो जो है बट जितनी बड़ी बड़ी मूछें रख के वो बड़ा मोटा सा वो जो है ना वो जो जो ऐसे 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 प्रोग्राम करते हैं जैसे मोहल्ले में बारा कर दी करते हैं लड़के, वो बातें नहीं करते एक दूसरे से की बात करते नहीं नहीं वो वहाँ से भी ऐसी ही बात करते हैं वो बता मुझे। हमारी सीनियर एंकर इकरा हारिस साहिबा वहाँ बैठी हुई हैं, इनको जानते हैं आप? इनको कोई नहीं जानता, वो बड़ी अच्छी है उनका ना वो प्रोग्राम उनका चल गया, वो ना वो प्रोग्राम अच्छा करती है लेकिन वो जो थी ना वो थोड़ी हेल्दी है वो ना, वैसे वो बड़ी प्यारी प्यारी है। प्यारों की बात हो रही है तो वहाँ सिमल हाशमी बैठी हुई है। मैं उसका शो बड़े शौक से देखता, वो ना सुबह वो कद्दू टमाटर लेके वो काट रही होती है, पहले कपड़े पड़ती थी अब वो ये काम करती है, वो सुबह सुबह होए मजे। रेहान तारिक साहब सीनियर एंकर बैठे हुए हैं, इनका प्रोग्राम आप देखते हैं? वो जो सड़कों पे नालों के ऊपर चलता है और बड़ी बड़ी वीडियो बनाता है, वो बोस कहते हैं उनका काम, वो बोल कहते हैं बोल यू करते हैं बोल यू करते हैं बोल कहते हैं करो यू करो, रिपोर्टर बुरा बनाते हैं, रिपोर्टर वो रिपोर्टर बुरा बन जाते हैं। जी जी भाई जन वो रिपोर्टरों को साड़ते हैं। अब कुछ बात करते हैं असाइनमेंट एडिटर्स की, जिनकी वजह से रिपोर्टर्स और हम स्क्रीन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट एडिटर शहजाद पाशा की, पाशा साहब बैठे नजर आ रहे हैं, आप जानते हैं पाशा साहब? उनको जानते उनके तो कराची तक झंडे खड़े हुए। अच्छा क्या जानते हैं आप? वो ना वो अपनी उर्दू का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, वो कराची वाले है ना वो, जी। वो कोई भी नई एंकर आती है ना वो, अच्छा। वो उर्दू सिखाते हैं, उर्दू सिखाते हैं ना वो, फिर उर्दू सिखाते हैं, फिर वो अब तो कुछ नहीं करते लेकिन उन्होंने एक पहले भी ऐसी शादी की है उर्दू सिखाते। अच्छा अच्छा वो मुझे बड़े से आमिर रजा साहब नजर आ रहे हैं, भोले से जानते हैं कि वो उनके बारे में क्या जानते हैं? वो जो सुहेल बड़े मुझे बैठे हुए सुहेल बड़े वो उन्हीं की कॉपी करते हैं ना वो जो नहीं वो जो नहीं वो जो कहते हैं एक दिन 42 के साथ वो जो जाके लोगों के घर में घुस के गाने गाते हैं वही ना वो जो। अच्छा अच्छा आमिर रजा को छोड़े सीनियर असाइनमेंट एडिटर जैनुल आबदीन साहब बैठे हुए हैं, जानते हैं आप उन्हें? वो बड़े चलाक है, वो बड़े चलाक है, वो अपनी बात बनवाते हैं वो ना, वो मुफ्त करो जमाते हैं वो रिपोर्टरों पे ना। वो असाइनमेंट एडिटर्स की सफ में मैं देख रहा हूँ जाफरी साहब बैठे हुए हैं, काम थोड़ा करते रोल आ जाता डालते हैं वही जाफरी ना वो जो रोज कहते हैं नहीं ऐसा बीच बना लो। उमैर नईम शेख साहब वो कोने में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जी जी वो जो जब भी जाओ वो हेडफोन लगा के पायलट बने होते हैं अपनी सीट पे हेडफोन लगा के बैठे होते हैं पायलट बने होते हैं वो। साहिद चौधरी साहब सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं, आप जानते हैं साहिद चौधरी साहब के बारे में? क्यों ना उनका बड़ा मछला उनको ना पूछ लो मरीज के बारे में, वो मरीज को भी कहते हैं मरीज से करके बता मैं से पूछ लो। मुझे खूबसूरत नौजवान नजर आ रहे हैं सुहेब अलवी, पहले एंकर थे और आजकल एडमिन में होते हैं, उसके बाद लड़कियां क्यों जाके बैठती है वो, मतलब वो एंकर रहे हैं ना पहले, मतलब अब तो एंकर नहीं है ना वो क्यों जाते हैं ये तो नहीं है, मगर उनकी दोस्ती तो है, ये तो फिर मजे हो गए मजे मजे आए सुहेब मजे। फिर बोला खाना खा के फिर जी जी बोला 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 बड़ी 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 बोले खाइए खाना खाइए, आप सब बातों का शुक्रिया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क एनुअल अवार्ड्स 2018 की इस पुरानक तकरीब में अपनी आवाज का जादू जगाने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट हुमैरा अरशद साहिबा कि वो स्टेज पे आए और इस तकरीब के अपने सुरों की आवाज जगाएं। जी हुमैरा अरशद साहिबा के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए।
मेरे दोस्त क्यों है खामोश, आजा मस्ती की तो कुछ चला, गम के मुंह पे मार दे मुक्का, साली टेंशन को मार भगा, ओ पप्पू डांस दिखा, डांस दिखा, डांस दिखा, ऐसे ना बच के तू जा, बच के तू जा, बच के तू जा, आज खुल के तू जश्न मना, let's party tonight. परेशान क्यों मेरी जान, चल डिस्को में हल्ला मचाए, कल है संडे करिए पंगे, चल अंडे का फंडा बनाए, ओ बटे चक दे जरा, चक दे जरा, चक दे जरा, ओ मक्कू ठप दे जरा, ठप दे जरा, ठप दे जरा, जरा खुशियों की सरगम सुना, let's party tonight. I would request senior analyst, senior anchor person, Amit Mir Sahab, to please come on stage and give away awards to Humaira Arshad Sahiba. Bahut bharpoor taaliyan honi chahiye ji. Amit Mir Sahab ke liye. Thank you very much, Humaira Arshad Sahiba. Bahut shukriya. Thank you very much. और हम माइलस्टोन अवार्ड का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं. कयूम साहब, शिफ्ट इंचार्ज ट्रांसपोर्ट, 10 साल मुकम्मल होने पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो. और इनके साथ ही इट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीपू मुनीर साहब से, कैमरामैन. इनके बाद टीपू मुनीर साहब, टीपू मुनीर कैमरामैन, कैमरामैन टीपू मुनीर साहब. उसके बाद कामरान अली खान, मैनेजर ट्रांसमिशन. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. ये बहुत खुशी की बात है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपने जो कारकुन सहाफ़ी हैं, वर्कर्स हैं, यहाँ तक के जो ड्राइवर्स हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको हर साल अवार्ड देते हैं. पिछले साल भी आपने बहुत अच्छी तकरीब का अहतमाम किया था, इस साल भी आपने बहुत अच्छी तकरीब का अहतमाम किया है. और आपकी ये जो यहाँ पे जोश व जज्बा है, इससे पता चलता है कि आपके जो तमाम चैनल्स हैं उनकी कामयाबी का असल राज जो है वो वर्कर्स की मेहनत और उनकी लगन है, जिस पे आप सब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं. और तमाम वर्कर्स के लिए तालियां. और आज की ये जो तकरीब है, इस तकरीब में जो मुझे, तो वैसे तो सब बातें ही बहुत अच्छी थी, लेकिन जो एक बहुत अच्छा जो मुझे लगा वो ये था कि आपने ख़ास तौर पर एक ख़ुसूसी तौर पे गाना बनाया आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, जो सहाफ़त को जिन मुश्किलात का सामना है उन मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए जो अज़्म और हौसला आपके अंदर है उसका इजहार करने के लिए आपने वैसा ही गाना बनाया है जैसा कि गाना हम कभी 14 अगस्त पर
और कभी 6 सितंबर को सुनते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने भी वैसा ही एक गाना बनाया है और उसी जोश और जज्बे का मुजाहरा किया है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर विद योर ग्रेट वर्ड्स। हामिद मीर साहब, भरपूर तालियां होनी चाहिए जी। माइलस्टोन अवार्ड्स के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिस शख्सियत को मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, उनके बहुत सारे तारुफ हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है, ह्यूज प्रोफाइल है, लेकिन शायद यही काफ़ी है कि इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ सिटी फैमिली। आप ग्रुप लीडर हैं एप्टमा के, आप CEO हैं लेक सिटी के, ग्रेट पर्सनैलिटी, बाकमाल शख्सियत, गौहर एजाज साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज कम ऑन स्टेज। माइलस्टोन अवार्ड्स के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए गौहर एजाज साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। आज से 10 साल 8 महीने पहले जो एक रिश्ता बनाया था सिटी न्यूज़ नेटवर्क से कि हम आपके साथ चाहे मार्केट्स मंदी हों, चाहे मार्केट्स तेज़ हों, चाहे मार्केट्स में बिज़नेस हो, चाहे मार्केट्स में बिज़नेस ना हो, हम एज़ अ ब्रांड आपके साथ खड़े होंगे, आपकी एक एज़ कंसिस्टेंट सपोर्टर्स। जो बच्चे हमारे सामने 11 साल से नज़र आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि 11 साल से वो इस चैनल के साथ खड़े हैं और जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि ये जो फैमिलीज़ बनी हैं, ये फैमिलीज़ चलती रहे और ये आबाद रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव यू विद अस सर, और आपकी गाइडेंस हमारे लिए मशाल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। उनके अवार्ड्स के सिलसिले को ही आगे बढ़ाते कंटिन्यू करते हैं जी, और अनदर प्राउड स्पॉन्सर एनुअल अवार्ड्स 2018 गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स, और इसके चेयरमैन आबिद महमूद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आबिद साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन स्टेज। अवार्ड आसिफ अली जाफरी, सीनियर रिपोर्टर। और इनके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद अफजल से, ऑपरेटर कंट्रोल रूम मोहम्मद अफजल साहब, और उन्हीं के साथ मोहम्मद आसिफ अली हैं इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट से, मोहम्मद अफजल डोगर, कांग्रेचुलेशन। और याद रहे कि इनकी 10 साल खिदमत के एतराफ में ये सोवेनियर्स इन्हें प्रेजेंट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अप इज मिस्टर जकाउल्ला, GM एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोक्योरमेंट। कांग्रेचुलेशन जका साहब। मोहम्मद परवेज, सीनियर सुपरवाइजर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट।
इन्हीं के साथ मैं अगला नाम अनाउंस करना चाहूंगी। इससे पहले कि आप अगला नाम अनाउंस करें, ज़हीर अहमद कालू साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी स्टेज पे तशरीफ ले आएं। इनके साथ अगला नाम मोहम्मद उस्मान, ऑपरेटर टिकट डिपार्टमेंट। मोहम्मद उस्मान टिकट ऑपरेटर है जी, और इनके बाद आई वुड रिक्वेस्ट जाहिद अजीम मलिक चीफ कैमरामैन। इनके बाद दिलशाद बेग। और अब मैं आबिद महमूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब। आबिद महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच साहब फॉर बीइंग विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बहुत 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 मुबारक सिटी 42 फैमिली को और स्पेशली जनाब मोहसिन नकवी साहब को। इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम आप लोगों ने अरेंज किया, और जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो हमेशा अपने साथियों को साथ लेकर ही चलते हैं। मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी और सिटी 42 फैमिली की कामयाबी का राज यही है कि इन लोगों ने अपनी फैमिली को, अपने मेंबरान को, अपनी टीम के लोगों को साथ लेकर चले हैं, और इनकी खिदमात को इन्होंने तस्लीम किया है, और जो आज की तकरीब है ये इसी सिलसिले की कड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत मुबारक। अल्लाह आपको कामयाबियां कामयाबियां नसीब करे। आपका बहुत शुक्रिया। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। आप हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तमाम चैनल्स को। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमिंग सर। हमारी अगली कैटेगरी है कैमरामैन 24 न्यूज़। कैमरामैन 24 न्यूज़ HD और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, और सिटी फैमिली का हिस्सा भी हैं। तो मैं शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। दिलों की धड़कन तेज। कुरा शाइस्ता साहिबा के हाथ में, एंड द अवार्ड गोज टू सबर का इम्तिहान ले रहे हैं आप। इतनी आसानी से तो कभी नहीं बताती। कराची से अब्दुल वहीद साहब। शहर कायद से अब्दुल वहीद साहब। भरपूर तालियां होनी चाहिए थी। आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो इस कामयाब फंक्शन के लिए, और मेरा ख्याल है सिटी 42 की फैमिली के लिए, और एक माँ की जो अपने बेटे के लिए दुआ है वो आज मोहसिन नकवी के लिए। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ दे। और इस शेर को मैं, ये शेर मोहसिन आपके लिए, कि जो यकीन की राह पे चल दिए, जो यकीन की राह पे चल दिए उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। तो मोहसिन ना बहकना है ना डरना है, इंशाल्लाह मंजिल आपका, आप मंजिल पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैडम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। यहाँ माइलस्टोन अवार्ड का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, माइलस्टोन अवार्ड्स देने हैं, लेकिन उससे पहले एक अवार्ड ऐसा है जिसके लिए हमारे रिपोर्टर्स बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अच्छा, साल भर इंटरेस्टिंग स्टोरीज और एक्सक्लूसिव स्टोरीज निकालते हैं। मिस्टर एक्सक्लूसिव अनाउंस करने जा रहे हैं। मिस्टर एक्सक्लूसिव का अवार्ड है जी, और देखते हैं कि इस साल के मिस्टर एक्सक्लूसिव कौन है। आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट डॉक्टर आमिर बंदेशा साहब टू प्लीज कम ऑन स्टेज सर। बार में सबसे ज्यादा लीड्स किसकी लगी और कौन बेस्ट ठहरता है, देखते हैं जी। मेरा वैसे दिल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि ये इतना काम नहीं करते हैं जितनी इनकी स्टोरीज की लीड्स बताई जा रही हैं,
जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी साहब, कंग्रेचुलेशंस जाहिद साहब। 25 स्टोरीज के साथ जाहिद चौधरी साहब लीड करते रहे और 21 स्टोरीज के साथ दुरे नयाब साहब सेकंड कंटेंडर थे इसके लिए। जी दुरे नयाब साहब सेकंड कंटेंडर थे, जाहिद चौधरी साहब 25 स्टोरीज के साथ लीड कर गए। मिस्टर एक्सक्लूसिव ऑफ द ईयर लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं मोहसिन नकवी साहब को बहुत मुबारक दूंगा इस खूबसूरत शाम को, इस इवेंट को सजाने के लिए। और मैं बहुत ब्रीफ रहूंगा कि ये जो सिटी 42 एक फैमिली है, इसका हम भी हिस्सा हैं, क्योंकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में होते हुए या हॉस्पिटल्स में होते हुए मैंने मोहसिन साहब को जितना ही अपनी फैमिली या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के लिए कंसर्न होते हैं उतना ही अपने वर्कर्स के लिए कंसर्न देखा है। इनका छोटे से छोटा वर्कर हो या उसके साथ उसी अटैचमेंट के साथ अपने जज्बात का और अपने तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो यही इस चैनल की कामयाबी और इस नेटवर्क की कामयाबी है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्कियाँ दे, आमीन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी के लिए। इस किट पर देखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दूर से जितनी प्यारी लगती है ना, लागो उससे भी ज्यादा लगती है। आपा जी मेरे लिए ना एक बड़ा मग्गा चाय का जनो वो मंगाए, और बाजी गल ये है कि तुहाडे कोलो सैलरी अज मैं लेके जानी। नहीं देखो यहाँ पे ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि सैलरी किसी को ना मिले। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैनू एर की जरा पहले चाहिए थी। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ आप लोगों का इतना माल क्यों खाते हो उठा उठा के? ओ बाजी वो तो अपना अपना रिजक है। अच्छा है ना, शुक्र अल्लाह मैनू दे रहा है। हाँ लेकिन अल्लाह मियां वापस भी ले लेना होगा। ऐ तोड़े पीछे एक बंदा बैठा है, जरा उधर ना जाके दो मिनट छूकल तो लाओ जरा। यार मेरी याददाश्त कमजोर। अच्छा मेरी याददाश्त कमजोर है ना, मैं पता नहीं लगता इस तो मैं इतने लिख के लाया है। तुसी ना एक काम करो, मैं तुम दसदा तुसी ना टेंड करा के इतने चीरा पवा। वो कहता मैं उधर ना गज नहीं लगोगे। आओ तो वेख ना तू 24 चैनल के अंदर लै दी अपनी चूरन वाली दुकान पाई, ये हिसाब है। तो उपर नालों फटिका दी रखी यदि मैं बांसरी बनवानी। तुहानू मैं एक सवाल करा, जिन्हें मर्जी करो जी। अच्छा जी, चार बच्चे एक जगह पर खेलन दे, एक बच्चे की अम्मी आई वो अपने बच्चे को लै गई, दूसरे बच्चे की अम्मी आई वो अपने बच्चे को कहते भी अपने निके भरा भी नाल खिला ला, तो इतने भाग गए। दसो पिछे किन्ने बच्चे रह गए? पिछे फिर चार ही। अच्छा फिर चार हो गए। अच्छा चलो ये दसो भी एक इंसान पूरे दिन के कुल किन्नी वारी सह लैंदा? सानू तो इतने मिनट का सह नहीं लैन देंदे। अच्छा सिर्फ काम? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक मैं बिचों गेड़ा दे लैंदा हुंदा, मतलब बाहरों जाके चक्कर चुकर लाए, कोई कम शम चाह चू पी गया। अच्छा नहीं बाहरों चक्कर चुकर ला के फिर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम जी। सर इतने किसी चाह पुछन का रवाज है? सर बड़िया चाहवा जी। कदों हमने आ जाती है? कितों? तुहानू किसी ने नहीं पूछी? कसम लै लो किसी ने भी। किदां दी पियोगे? नॉर्मल, बस जरा मिठा हल्का तो पत्ती थोड़ी तेज, बिच कोई दालचीनी लाची? नहीं नहीं मेरे कड़ा मेदे च दर्द हो रही, नाल कोई केक कूक अगर हो जाता। तुसी ना ये नाल दे कमरे च जाओ, उत्थे तराब साहब एक बैठे होंदे ने, वो तुहानू चाह भी पिआउणगे केक भी खवाउणगे। लो फिर अज उहनां दी खैर नहीं जी फिर। हाँ जी जाओ। अच्छा तराब साहब वड्डा मग्गा पीना, नाल मैं केक भी खाने। ओके सर जी अस्सलाम वालेकुम। ना बेटा जानी मेरे ना कोई ड्रामा नहीं करना, मैं तो दस दिता ही भैन मेरी गल। मैं कह रहा ना बेटा नहीं, मेरे तो डबिंग की सर मेरे उत्तों आर्डर है। अच्छा। लेकिन मैं तुहाडे ते नहीं करता, सिर्फ तराब साहब नूं जाके ना भैन इदां कह रहे ने। ओके शहजादा लगा हाथ हौला रखी, नहीं तो ना रखा तो की कर लोगे? बकवास बंद कर, वादा ना जा, मैं रोन भी लग पैना। तराब साहब एक चाय तो केक मंगाओ। चलो ये भी ठीक, मैनू ये खुशी है भी मेरे गवाचे हुए बूट लप गए। किदा है जेडे तू पाए? बेटा मेरे बूट है ये तराब साहब ने। हाँ जी हाँ जी यही ने। इतों कई बंद बूट चुके जाते सानू, यह नहीं पता लगता भी चुकता कौन है। इनू हाले जो ये पता लगना ना भी यदि सैलरी जी लेट किस बंद की वजह तो हो रही है, तो इन्हें यही बूट पा के मेरे मगर नसना, तो मैं फड़े नहीं जाना। उत्तों चाह भी देखो मेरे कोई पीन आ गए है, और जाओ भैन चाह लैके आओ। वो मैनू चाह का कहता ही यार, सारी दुनिया च मेरी इज्जत है, इतने मेरी टके की इज्जत नहीं। इना काम नहीं कर सकते तुझे नाल ही तो खोखा। अच्छा उन्होंने कह के आज आप ही देगा आखिरी बारी कहनी मैं फिर। अच्छा गल सुनो मेरी सैलरी तो दवा दो यार। खैर पहले मैं चाह का कहवा। मिठा घट? हाँ मिठा घट तो जहर ज्यादा। नहीं नहीं ठहर एक मिनट, भरपूर ताली होनी चाहिए जी जानी साहब के लिए। सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने वाले माइलस्टोन अवार्ड्स का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और वहीं से जोड़ते हैं जहां मनकता हुआ था। आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट, हमारे साथ सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल साहब मौजूद हैं। सर स्टेज पे तशरीफ ले आए। पहला नाम रिफत अब्बास, प्रोड्यूसर।
रिफत अब्बास के साथ ही अगला नाम जाहिद हफीज। सीनियर रिपोर्टर हैं जी जाहिद हफीज साहब, रिफत अब्बास, जाहिद हफीज और इनके बाद हसन अली। जाहिद हफीज चौधरी, जाहिद चौधरी साहब, मिस्टर एक्सक्लूसिव ऑफ द ईयर, आपके 10 साल की खिदमत के एतराफ में ये सोवेनियर। साथ ही अगला नाम फैसल बिलाल, सीनियर ऑफिसर कंस्ट्रक्शन। फैसल बिलाल। हसन अली साहब आ रहे हैं। न्यूज नेटवर्क को बहुत मुबारकबाद। मोहसिन भाई आपको बहुत मुबारकबाद। आपने सिटी न्यूज़ नेटवर्क नहीं बनाया बल्कि आपने एक ख़ानदान बनाया और इस ख़ानदान के अंदर हर फर्द को आपने एक रोल दिया, उस रोल के तहत वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस चैनल के अंदर जब मैं ये देखता हूँ कि जो मालिक है और जो वहाँ पर काम करने वाला बंदा उसके दरमियान कम्युनिकेशन गैप नहीं है। अगर वो अपने मालिक से डायरेक्ट मिलना चाहे, बात करना चाहे, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि वो डायरेक्ट अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचा सकता है। तो इस हवाले से मैं मोहसिन नकवी साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआगो हूँ कि जिस तरह आपने सहाफ़त के अंदर मेरे शहर को जो चार चांद लगाए हैं इस चैनल से, मेरी दुआ है कि आप इसी तरह इस चैनल की तरक्की हम देखना चाहते हैं आने वाले वक्त में भी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे लाहौर के जो स्पेशली मसाइल हैं उनको आप मज़ीद अच्छे तरीके से उजागर करेंगे और उनका सलूशन इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर निकालेंगे ताकि मेरे लाहौर की जो रौनकें हैं वो इसी तरह सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने के लिए। सर कैटेगरी क्या है जी? अगली कैटेगरी बेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम टेक्निकल डिपार्टमेंट। अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा शहर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत कैसर अमीन भट्ट साहब से कि वो यहाँ स्टेज पे तशरीफ ले आएं। कैसर अमीन भट्ट साहब, फाती नजार। दो बड़े अवार्ड्स हैं जी और इन बड़े अवार्ड्स में सबसे पहला अवार्ड बेस्ट प्रोग्राम सिटी फोर्टी प्रोग्राम सिटी 42 और बेस्ट प्रोग्राम सिटी 42 के इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट चेयरमैन रहीम स्टोर राणा अख्तर महमूद साहब टू प्लीज कम ऑन स्टेज। राणा अख्तर महमूद साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। 50,000 का कैश प्राइज और बेस्ट ट्रॉफी। दो बड़े अवार्ड्स की बात की तो बेस्ट प्रोग्राम 42 एंड बेस्ट प्रोग्राम 24 न्यूज HD। तो सबसे पहले हम देखते हैं 42 का बेस्ट प्रोग्राम। एंड लेट मी टेल यू, 50,000 रुपीज कैश एंड अ ब्यूटीफुल ट्रॉफी। सो लेट्स सी हु इज द विनर लेडीज एंड जेंटलमैन। मुजरिम कौन? मुजरिम कौन? मुजरिम कौन? कांग्रेचुलेशंस पूरी टीम खादी नजर टीम स्टेज पर आ जाए और अपने साथ अपने बाकी टीम मेंबर्स को ढूंढ रहे हैं जो बैक स्टेज काम कर रहे थे। सारन, सभी, कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। सारन गिल, सभी, सईद हसन नकवी, उश्ना मरियम, आमिर इकबाल दार साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
एंड द अवार्ड गोज टू इंकशाफ। ये बेस्ट प्रोग्राम 24 न्यूज़ एचडी है इंकशाफ, और इंकशाफ की पूरी टीम स्टेज पर आ जाए। दिस इज बेस्ट प्रोग्राम 24 न्यूज़ एचडी लेडीज एंड जेंटलमैन। हैट्रिक है आपकी, ये मुसलसल तीसरी दफा है ये अवार्ड इंकशाफ की टीम को गया है, लगातार 3 साल। दिस इज कंसेक्यूटिवली थर्ड लेडीज एंड जेंटलमैन बेस्ट प्रोग्राम ऑफ द ईयर 24 न्यूज़ एचडी। प्रोग्राम इंकशाफ ने हैट्रिक मुकम्मल की है, इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए थी। मुसलसल तीसरी बार बेस्ट प्रोग्राम ऑफ द ईयर लेडीज एंड जेंटलमैन इंकशाफ, और भारी भरकम टीम के साथ है कि ये प्रोग्राम तीसरी मर्तबा बेस्ट प्रोग्राम 24 न्यूज़ एचडी रहा है। जो इस प्रोग्राम का सबसे टॉपर है और सेकंड है वो रहीम स्टोर पे 25,000 और 20,000 की खरीदारी आगे करें। क्या बात है, क्या बात है। अगली कैटेगरी की जाने बढ़ते हैं जी, एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज बेस्ट आउटस्टेशन रिपोर्टर, CNN बेस्ट आउटस्टेशन रिपोर्टर। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर दावत देना चाहूंगी, लीगी रानुमा है गजाली सलीम बट साहब, कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और ये अवार्ड प्रेजेंट करें। गजाली बट साहब, गोज टू द अवार्ड, अवार्ड गोज टू नदीम मुगल। नदीम मुगल, हमारे मेहमान हैं लाहौर में, तो लाहौरियों की तरफ से तालियां होनी चाहिए थी। नदीम मुगल साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज की ये शाम जो मोहसिन नकवी साहब ने सजाई, मैं दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और जब मैं अब आ रहा था तो मेरी मोहसिन साहब से मुलाकात हुई, तो मैं उनसे गले मिला, तो मिलने के बाद मैंने कहा जी आपसे कुछ चीज़ें गले मिलने के बाद ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो मेरा उन्होंने हाथ पकड़ लिया, पूछते हैं क्या, तो मैंने कहा आपसे मिलने के बाद खलूस प्यार और मोहब्बत जो है वो ट्रांसफ़र होता है। और ये वो आप अपने जितने भी आपके चैनल्स चल रहे हैं उसमें जितने भी आपके वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, ये सारी मोहब्बत उनमें ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में ट्रांसफर होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गजाली सलीम भट्ट साहब। अगली कैटेगरी हम अनाउंस कर देते हैं, तो हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट एम्प्लॉय प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट 24 न्यूज एचडी। एंड द अवार्ड गोज टू हैदर नियाजी। हैदर नियाजी, क्योंकि जमहूरियत है। Rostrum is yours, sir. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप क्या कहेंगे? आज से 10 साल पहले मोहसिन नकवी साहब ने सिटी 42 का आगाज़ किया, तो सहाफत में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए कि जो हमारे शहरों के मसले मसाइल, हमारे अहम मसले थे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसले को ईवानों तक, ब्यूरोक्रेसी तक इन्होंने पहुंचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर लाहौर के बाद इन्होंने ये सिस्टम और शहरों में, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेकर गए। और मुझे फ़ख्र है कि मैं 42 की टीम का हिस्सा हूं और उनकी फैमिली मेम्बर हूं, और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख साहिद साहब, बहुत शुक्रिया। अवार्ड्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारी अगली कैटेगरी बेस्ट एम्प्लॉय प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट 42। रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब की जानी मानी पहचानी शख्सियत, ना सिर्फ हमारी बल्कि पूरा शहर जानता है, लीगी रहनुमा है, सिटी न्यूज़ नेटवर्क का
मैंडेटरी पार्ट हैं, सिटी फैमिली का हिस्सा हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज कम ऑन स्टेज। CNN बेस्ट एम्प्लॉई प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट। लाहौरियों ने एक और मेहमान को इज्जत दी है, फैसलाबाद से सिटी 41 से अली आरिफ। बहुत बहुत मुबारक आपको आरिफ साहब। और अगले अवार्ड भी आप ही प्रेजेंट करेंगे सर, बेस्ट एम्प्लॉय न्यूज प्रोडक्शन। खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद शहजाद साहब, खादी नौजाद, बहुत बहुत मुबारक आपको खुर्रम शहजाद। कंग्रेचुलेशंस, एक खूबसूरत सी ट्रॉफी और कैश प्राइज, कंग्रेचुलेशंस। और नेक्स्ट अवार्ड भी फारिस साहब आपके सब्र को आजमाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट रिपोर्टर सिटी 41। रमजान मिर्जा। रमजान मिर्जा, मिर्जा कंग्रेचुलेशंस रमजान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नेक्स्ट कैटेगरी भी मैं अनाउंस करती चलूं, अगली कैटेगरी है बेस्ट रिपोर्टर रोही टीवी। रोही से मोहसिनुल मल्क। मोहसिनुल मल्क खादिनो साथ मास्टर रिपोर्टर भागते हुए आ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको मोहसिनुल मल्क साहब। पाक परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करें कि सिटी फैमिली अल्लाह के फजल से तमाम तर रुकावटों को अबूर करती हुई अपने कप्तान मोहसिन नकवी की क्यादत में और खालिद अंसारी साहब जैसे अपने खैर ख्वाह और दोस्तों की क्यादत में जितने साथी चेहरे यहाँ बैठे हैं इनकी दुआओं के नतीजे में फलती फूलती और बढ़ती जा रही है। बहुत रुकावटें आती हैं रास्ते में लेकिन अल्लाह का फजल जो है इन रुकावटों को अबूर करवाता है। मुझे सबसे ज़्यादा, मैं आपको पता है सूबाई वज़ीर भी रहा, पॉलिटिशियन भी हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुशी और फ़ख्र मुझे होता है कि जब आप मुझे सिटी फैमिली का हिस्सा कहते हैं तो मेरे लिए ये उदा ये सिटी फैमिली का हिस्सा होना मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। और मोहसिन नकवी की नज़र एक शेयर करता चलूँ कि नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जस्तजू, नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जस्तजू, बज़्म हो या रज़्म पाक दिलो पाक बाज। बिल्कुल मोहसिन साहब पर ये फिट आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और अगला अवार्ड है बेस्ट रिपोर्टर यूके 44। प्रेजेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीनियर सहाफी और तज़ियाकार खुशनूद अली खान साहब से कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। ये नाम है एजाज अफजल। एजाज अफजल साहब, कांग्रेचुलेशंस। रिपोर्टर 24 न्यूज HD, लेडीज एंड जेंटलमैन। बेस्ट रिपोर्टर 24 न्यूज HD अवैस कियानी। अवैस कियानी, कैटेगरी है खातिन हजरात बेस्ट रिपोर्टर सिटी 42। अशरफ मलिक। अशरफ साहब कांग्रेचुलेशंस, कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुबह सबसे पहले उठते हैं और अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। मलिक अशरफ साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए।
साहब, पहले तो आपको और आपकी इस फैमिली को मुबारक हो, लेकिन मुझे असल खुशी यह है कि आपने फैमिली शुरू में जब यह तकरीब शुरू हुई और आपने फैमिली का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैं थोड़ा सा ये सारा मंज़र धुंधलाया हुआ था, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी में जो मैं सुन रहा था पहली दफ़ा इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही थी फैमिली की, मगर आपने इसे अमल करके दिखाया। मेरी तो ये पहली तकरीब है, मैं शरीक हुआ हूँ और इसे देख रहा हूँ, लेकिन मैं चूँकि ख़ुद एक इदारा रन करता हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि इस वक्त मीडिया किस मुश्किल में है और मालकान किस मुश्किल में है, लेकिन आपने अपनी ये मुश्किल इस तरह से हल कर दी है कि आप इन सब का हिस्सा हैं और ये सब आपका हिस्सा है, लिहाजा आपके लिए मुश्किल नहीं रही। दूसरी खूबसूरत बात आप में ये है कि आप इन सब में कहीं ये नहीं लगता कि इदारे का मालिक आ रहा है, और इससे लगता है कि सारे कारकुन जो हैं वही इदारे के मालिक हैं। और एक फिक्रा और कहना है कि नकवी साहब, ये जो राह है ये राह ऐसी है जिसमें दो तीन मुश्किल मकाम ज़रूर आते हैं, और आपने वो सारे मकाम बहुत मुश्किल में लेकिन बहुत आसानी में आपने वो रास्ते हल कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खुशनूद अली खान साहब। आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईजी जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब से कि आप स्टेज पे तशरीफ ले आएं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क सोशल मीडिया हिट, ये एक ऐसी स्टोरी है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हिट हुई, 17 मिलियन व्यूज मिले और मल्टीपल अपलोड्स, अभी भी ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। तो देखते हैं वो स्टोरी क्या है और ये अवार्ड किसका है। क्योंकि जमहूरियत है टीम 17 मिलियन, क्योंकि जमहूरियत है 17 मिलियन हिट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो भरपूर तालियां होनी चाहिए क्योंकि जमहूरियत की तमाम टीम के लिए 17 मिलियन सोशल मीडिया हिट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कोई छोटी बात नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट असाइनमेंट पर्सन की, खातीन हजरात, बेस्ट पर्सन असाइनमेंट डेस्क। पांचों चैनल्स में जो बेस्ट असाइनमेंट रहे हैं, मजहर अब्बास खातीन हजरात, मजहर। अगली कैटेगरी भी मैं अनाउंस करती चलूं, बेस्ट एंकर 24 न्यूज HD। और इस अवार्ड को भी मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब प्रेजेंट करेंगे, बेस्ट एंकर 24 न्यूज HD, लेडीज एंड जेंटलमैन, जीशान बशीर साहब, भरपूर तालियां होनी चाहिए जी। मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करूंगा अल्हम्ब्रा कल्चरल कॉम्प्लेक्स की मैनेजमेंट में और बुखारी साहब का, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब, आपका भी थैंक यू वेरी मच सर। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सऊदी अरब की मारूफ ताजिर शख्सियत हैं, सिटी फैमिली का हिस्सा हैं और बहुत मान और बहुत प्यार देते हैं, खुसूसन जब सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब पहुंचती है तो वहां मेज़बान होते हैं, खालिद अंसारी साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। कैटेगरी में ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगे वो है CNN बेस्ट ब्यूरो अवार्ड।
इस्लामाबाद ब्यूरो। इस्लामाबाद ब्यूरो खातिर कांग्रेचुलेशन। मैं ब्यूरो चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आ जाएं स्टेज पर। CNN Best Anchor. CNN Best Anchor of the Year, ladies and gentlemen, Ana Yusuf. Congratulations, Ana. मुबारक आपको अना यूसुफ। आप देखिए अगली कैटेगरी में मैं अनाउंस करती चलूं CNN बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर। शाहीन अता, शाहीन अतीक, आई गेस पांचों चैनल के शाहीन अतीक साहब रिपोर्टर। शाहीन अतीक साहब बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर सिटी न्यूज नेटवर्क। लेडीज एंड जेंटलमैन तालियां होनी चाहिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकमाल शख्सियत मुशफिक इंसान खालिद अंसारी साहब से कि सर आप रोस्टम पे आए और अपने कुछ कलमात अता करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मोहसिन नकवी साहब को और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। 12-13 साल पहले तोरा बारा बोरा के पहाड़ों में जो सबसे कम उम्र का रिपोर्टिंग करने वाला एक नौजवान जिसका साथी उस वक्त शहीद हो गया था, उसकी मैयत को लेके और डेथ सर्टिफिकेट लेके तो वो पाकिस्तान आता है तो वहाँ से लंदन जाता है तो CNN वाले उनको आज़ाद से नवाजते हैं, उनको इनाम के तौर पे एशिया का हेड बना के CNN का ऑफर करते हैं। लेकिन वो नौजवान उसको ठुकराता है, कहता कि नहीं मैंने अपने वतन में खिदमत करनी है तो मैंने अपने घर वापस जाना। उस सारे इनाम ठुकरा के तो लाहौर आता है तो किसी को खबर नहीं होती कि ये पाकिस्तान में एक दूसरा CNN बना देगा। तो अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे और नज़र बाद से बचाए। हम इनके लिए मक्का और मदीना में हर वक्त दुआगो हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्त दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच खालिद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ अफ्रीका। जरा इस स्किट में देखता है। अल्लाह ही बचाए मियाँ से। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिटी न्यूज नेटवर्क का हिस्सा हैं परवेज मलिक साहब, सर प्लीज स्टेज पे आ जाएं। बेस्ट
employee, marketing, distribution, and sales department. Salman Jaffer. Salman Jaffer. Salman Jaffer. Congratulations, Salman. Best employee, sales, marketing, distribution, Salman Jaffer. जब हम माइलस्टोन अवार्ड्स दे रहे थे तो एक शील्ड जो है वो मिस हो गई थी। जी हाँ, और गुलजार साहब की शील्ड है। जी गुलजार साहब हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे गार्ड जो हिफाजत पर मामूर रहते हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क पे। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए जिस शख्सियत को मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जब परचम जाल लेकर निकला ये खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम, मैं खाने गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। हम लाख सहलेंगे सही, क्यों अहले हवस ये भूल गए कि खाके वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। खातिनो अज़वात, सिटी न्यूज़ नेटवर्क इज़ अ फैमिली एंड दिस फैमिली इज़ लेड बाय अ ग्रेट कैप्टन लाइक सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। मैं चाहूँगा अपनी नशस्तों से खड़े होकर मोहसिन नकवी साहब का भरपूर इस्तकबाल करें। खातिनो अज़वात, आपकी भरपूर तालियों में a huge round of applause, ladies and gentlemen. आपकी तालियां थमनी नहीं चाहिए। गुलजार साहब, 10 years milestone award, and it's a great honor and privilege कि आप ये award मोहसिन साहब से रिसीव कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि इमर्जिंग स्टार का अवार्ड रह गया था, तनसीर यहाँ पर थे नहीं, तो तनसीर को अवार्ड भी बॉस देंगे। तनसीर फटाफट से स्टेज पे आ जाओ। सही है, तनसीर अच्छा हुआ कि मिस हो गया। कैप्टन ऑफ द शिप से अवार्ड मिलने जा रहा है। आयुषान उपदास लेकर से जान पर। कांग्रेचुलेशन। बेस्ट इमर्जिंग स्टार सिटी न्यूज़ नेटवर्क। इसके बाद जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ, वो जगह जगह जाते हैं, मुल्कों घूमते हैं और सिटी 42 का नाम जो है वो आगे लेकर जाते हैं। ही इज एम्बेसडर ऑफ सिटी 42, ही इज किंग ऑफ पीआर। आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर शाहिद कादर टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड रिसीव हिज सोवेनियर। नेक्स्ट अप इज, बहुत बहुत मुबारक हो आपको शाहिद कादर साहब। कांग्रेचुलेशन शाहिद कादर साहब, प्राइड ऑफ लाहौर, लेडीज एंड जेंटलमैन। शेर मियादाद कवाल, और इस वक्त शेर मियादाद साहब प्राइड ऑफ लाहौर। खातिनो हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में। रनर अप जो है नईम गिलानी, तो आप आगे ले जाओ उसका प्राइज। तो आप को कहें तो आप इस दफ़ा मेरे लिए थोड़ा आसान था फैसला करना, क्योंकि उस शख्स ने अपना जो काम डिपार्टमेंट का था वो भी करता रहा, उसके अलावा उसको जो टास्क देते थे वो भी करता रहा, उसके अलावा जो काम नहीं थे वो भी करता रहा। और मुझे इस दफ़ा इतना आसान था फैसला करना कि मैं बता नहीं सकता। तो मैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क ज्वाइन किया था तकरीबन 4 साल पहले, मैंने मोहसिन साहब से कहा कि मैंने फलां शख्स के साथ काम किया है, फलां के साथ किया है, फलां अदारे में किया है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। उनका कहना था कि एक बार मोहसिन नकवी के साथ भी करके देखिए। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस अदारे का एक कारकुन हूँ और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ और पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितना प्रोफेशनल एडिटर मालिक मोहसिन नकवी साहब हैं, मैंने पूरी ज़िंदगी में इन जैसा शख्स नहीं देखा। और इतनी मोहब्बतें जितनी उन्होंने दी कारकुनों को, और जो फैमिली का तसव्वुर, इधर खुशनूद अली खान साहब कह रहे थे कि एक अदारे में टर्म चलती है आप वेलकम टू द फलां फैमिली, तो आज हकीकत में मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई सहाफ़ती अदारे में फैमिली का कोई तसव्वुर है तो वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क है। थैंक यू मोहसिन साहब, थैंक यू वेरी मच सर।